ओके सो गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। तो आज हम लोग का टारगेट ये है कि लास्ट क्लास जो हम लोग लेवल एनविटी सीखे थे उस पे सम्स प्रैक्टिस, हम लोग आज परपेचुइटी सीखेंगे एंड इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग एनविटी करेंगे। ठीक है, टुडे इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्लास एंड लॉन्ग क्लास। ओके एंड आज हम लोग CM1 का जो फर्स्ट पोर्शन है उसका बेसिक्स कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो शुरू का 2 घंटा बहुत इंपॉर्टेंट है और उसके बाद का 2 घंटा उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, द होल क्लास इज इंपॉर्टेंट। ठीक है ना, तो एकदम ध्यान से सुनना और सब लोग अपना सबसे पहले असाइनमेंट बुक निकालो। ठीक है, तो असाइनमेंट बुक कौन कौन नहीं लाया पहले हाथ उठाओ। एक ज्यादा लोग तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, मैंने हर तुम्हारे पास है आयुषी जैन, वो तुम क्यों हाथ उठा रही हो, तुम्हारा तो घर पे ही होगा ना। तो हर बेंच में देखो ना, 3 के बीच में 2 है कि यहां पर 2 है, मैंने ऐसा कोई है जो 3 के बीच में 1 है हाथ उठाओ, 3 के बीच में 1 है यहां लास्ट में, ऐसा कहां है किताब, तो 2 उसको मैथ चाहिए ना, उसको 3 में 1 है कि 2 3 में 2 है, हो गया ना सबका मैनेज हो जाएगा। तो ठीक है, 1 भी नहीं है, बाल कलर कराना तुमको ठीक रहा, किताब लाना है ये तुम भूल गई, ग्रुप में इतना स्पैम होता है, बाकी बच्चों का डाउट सॉल्व तुम्हारे लिए स्पैम है, मेरा मैसेज स्पैम है, जो हम सुबह से हम इतना जतन से मैसेज करते तुम्हारे लिए स्पैम है, और किसको किसको लगता है कि भाई मेरा मैसेज स्पैम है, यही कोई स्नैपचैट पे स्ट्रीक बनाना हो तो ठीक है, वो स्पैम नहीं है, स्पैम है। कितना किताब है यहां पर थर्ड बेंच में, 2, तुम लोग दोनों के बीच में यहां पर कितना है, तुम लाए क्या, दे दे, सॉरी बोलने से क्या होगा, तुम तो लेट आया है तो सॉरी बोलने से क्या 10 मिनट पहले आ जाएगा, कहां बैठ रहे हो, कहां बैठ रहे हो, यहां बैठो। एक तो लेट आया ऊपर से सॉरी बोल रहा है, ठीक चलो। तो असाइनमेंट बुक में हम लोग चालू कर रहे हैं, थोड़ा सा बेंच आगे पीछे कर लो ना, बैठने में प्रॉब्लम हो रहा है, तो काफी लंबा क्लास है, मेक योरसेल्फ कंफर्टेबल। ठीक है ना, आगे पीछे वालों को धक्का मार के गिरा दो, कुछ भी करना है करो। ठीक है चलो आ जाओ, पेज नंबर 5 से चालू करेंगे, पेज नंबर फाइव एंड क्वेश्चन नंबर फाइव। इंटरेस्ट रेट का क्वेश्चन है, डेल्टा हम लोग को दिया हुआ 8%, I, I4 और D12 निकालना है। तो पहला क्या करेंगे, 1+I इज e^0.08 है कि नहीं, दूसरा हम लोग करेंगे बोलो क्या, 1+I4/4, उसके बाद D12, ये लग क्लियर है सबको, सॉल्व करिए इसको, इसका खाली पार्ट 1 हम लोग को सॉल्व करना है, सॉल्व करिए, बताइए आंसर कितना कितना आ रहा है, कोई भी क्लास मिस नहीं करेगा, जैसे देखो मैंने आपको ब्रेक दिया ना, मैं और भी ब्रेक दूंगा, ठीक है, बट क्लास कोई मिस नहीं करेगा। चलो चालू करो, कितना आ रहा है पहले वाले का, आई का आंसर कितना आ रहा है, 0.0832, आई फोर का कितना आ रहा है, 0.0808, और ये वाला
0.079734। क्लियर है हाँ कि ना? ये था फिलर, ये था फिलर। अब तुम लोग आ जाओ पेज नंबर 11 में, पेज नंबर 11 में लेवल एनविटी, पेज नंबर 11 में लेवल एनविटी, ठीक है ना? पेज नंबर 11 में लेवल एनविटी। सारे ऑनलाइन में बच्चे रिप्लाई करेंगे, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 28 से चालू करेंगे, क्वेश्चन नंबर 28 से चालू करेंगे। A25 निकालो और ADU15 निकालो। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या दिया हुआ जल्दी जल्दी बताना, 13.5%। तो हम लोग को निकालना है क्या A25 @0.135, हाँ कि ना? तो चलो 1 - 1.135 - -25/0.135, हाँ कि ना? तो ADU15 @0.135 = 1 - 1.135। वहीं खड़ा रहे, बाहर निकल, गेट आउट ऑफ द क्लास। डिवाइडेड बाय पॉइंट, कहां जा रहा है, कहां जा रहा है, बैठो। नीचे में क्या आएगा? डी। ड्यू मतलब क्या होता है? एडवांस। इमीडिएटली मतलब क्या होता है? एडवांस। एडवांस मतलब क्या होता है? एडवांस। निकालो इसका आंसर। आज अच्छा से पढ़ेगा, आज अच्छा से पढ़ेगा तो कल छुट्टी देंगे, आज अच्छा से पढ़ेगा तो कल छुट्टी देंगे। रिकॉर्डेड भी देखते रहना, लाइव में भी आते रहना, दोनों चीज दी है, ठीक है ना? हम लोग का डिलीवरेबल्स पूरे इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा है, पूरा इफेक्टिवली यूज करना है सब डिलीवरेबल्स का। मॉक टेस्ट देना चालू करो, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट है। कितना आ रहा है पहले वाले का आंसर? 7.0949। और जो लोग भी ये पहले से कर चुका है, क्लास में अगर बैठा हुआ देख दिया तो सीधा बाहर निकाल देंगे, पहला बात याद रखना। 7.14928 13। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ला हाँ कि ना? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 करेंगे, क्वेश्चन नंबर 29 करेंगे असाइनमेंट बुक का। S10 SDU 13 3.5%। सो S10 @0.035 = 1.035 - 1/0.35, हाँ कि ना? SDU 13 कितना आएगा? 1.035 - 1/0.35 / 1.035, हाँ कि ना? सॉल्व करिए। कितना आ रहा है दूसरा वाला? 11.1 और दूसरा वाला ये, ठीक है? तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, A64 @1.5%। जो बच्चा क्लास में बैठा है सब नहीं बना रहा है, याद रखना मेरा बहुत काला जमाना है, माता रानी पाप लगाएगी, ठीक है? क्लास में बैठ के पूरा सम बनाना है। A64 तो 1 - 1.015 - 6/I4 when I is equal to, तो चलो 1.015 = 1 + I4/4 whole to the power
तो यहां से आई फोर निकालिए और बताइए कितना आ रहा है, डाल दीजिए आंसर निकालिए, चालू करिए। कितना 0.01491 0.01491 0.014, ठीक है ना। स्टैट्स का बेसिक्स रैंडम वेरिएबल का वीडियोस मैं बोल दूंगा, वो आप लोग सबको देखना है, ठीक है। मैं एक प्लेलिस्ट बना के ग्रुप में डालूंगा, वो स्पैम नहीं है, एक प्लेलिस्ट बना के मैं डालूंगा, ठीक है, ग्रुप में, उस पर ध्यान देना है। वो सारा स्टैट्स का क्लास, उसको नाम देगा स्टेटिस्टिक्स बेसिक्स, वो सीएम वन में भी काम में लगेगा, वो कॉलेज में भी काम में लगेगा, ठीक है ना, वो हर चीज में और आगे स्टैट्स के पेपर में तो काम में लगेगा ही। तो वो स्टैट्स का बेसिक्स मेरा क्लास है 3-4, वंदिता मैम का क्लास है 3-4, तो बेसिक्स आप लोग को आना चाहिए। बात ये नहीं कि सीएम वन में क्या है, हम क्या खाली सीएम वन का कसम खाए, नहीं, और कहीं नहीं जाने देंगे, सारा पेपर यहीं से करना है। तो इसलिए नेक्स्ट पेपर का भी हम थोड़ा सा पढ़ा देते हैं, बजाय डेमो दिखाई, डेमो अभी दे देंगे, ठीक है। तो स्टैट्स का वो देखना है क्लास, क्योंकि आगे के टॉपिक्स में हम लोग को स्टैट्स चाहिए होगा, ठीक है। तो ये आ गया सबका क्वेश्चन नंबर 31, लाइन से बनाएंगे, लाइन से बना डालेंगे 40-50। चलो क्वेश्चन नंबर 31, कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू एज एट 1/1/19 ऑफ अ सीरीज ऑफ पेमेंट्स ऑफ 100 पेबल ऑन द फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ ड्यूरिंग 2020। ए सुनो, 2020 मतलब एक साल बाद, समझा ना, 2020, 21 एंड 22, तो ये बेसिकली हो गया 31/12/19, है कि नहीं, बोलो ना। तो ये हो गया 2018 2019 2020 2021, और ये हो गया 2000, सारा क्या है, एंड एंड है ना, 20-21-22 मतलब बोलो, 20-21-22 का मतलब क्या, पहले ये बताओ 20 कौन सा साल हो गया, ये वाला ना, ये वाला, ये हो गया 20, ये हो गया 21 और ये हो गया, तो देखो 3 साल हो रहे हैं ना, और मंथली में कितना पेमेंट हो रहा है, 100 पेबल ऑन द फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ। ये लो, यस, सॉरी बोलो, पहले सॉरी बोलो, हाँ, कॉपी नहीं कर रहा, इधर देखो, हम पढ़ा रहे ना, वो अपने आप लिख रहा है क्या, ये देखो 20-21-22 100 × 36, 3 साल में 36 months, कैसे हो रहा है सर, क्या कैसे हो रहा है, एडवांस में हो रहा है कि अरियर में हो रहा है, ये पूछ रहे हैं, ठीक है ना। रेट क्या दिया हुआ है, हाँ, तुम लोगों अभी तक समझा ही नहीं, एनुअल रेट दिया हुआ है, समझा, तो हम लोग को एनुअल में काम करके पहले दिखाना है। ये सम को मैं 3 अलग अलग एंगल से करके दिखाऊंगा, पहले एनुअल, फिर सेमी एनुअल और फिर मंथ्स, ठीक है। तो पहले एनुअल में करेंगे, तो कितना साल पेमेंट हो रहा है, 3 साल, तो 3 साल का जब मैं एनुइटी निकालूंगा तो वो वैल्यू मेरा यहां पर आएगा, तो देखो कैसे आएगा, पेन छोड़, क्यों 100-112 बार, ए 3 साल, 1 साल में एडवांस हो रहा है कि अरियर हो रहा है, ड्यू रेट क्या दिया हुआ है, अब रुको, क्या वैल्यू यहां पर आ गया 1/1/19 पे आ गया, नहीं, वैल्यू अभी यहां पर आया है, 1 साल पुलबैक करना पड़ेगा, तो 1 साल पुलबैक करने का, 1 साल टालने का फैक्टर क्या है, वी, तो इसमें वी भी मल्टीप्लाई होगा, ठीक है ना, वी एट द रेट, रुक जाओ, हम सबको बोले, पेन पहले छोड़ो, पहले सुनो, ये हुआ, अब सुनो इसको सॉल्व कैसे करना है, पहले ध्यान से देखो, इसमें देखना, ये और ये तीनों क्या है, सेम टाइम पीरियड का है, ठीक है। तो अब देखो इसको सॉल्व कैसे करना है, ध्यान से देखो, 1200
वन माइनस 1.08 टू दी पर माइनस 3 बाय डी 12 इंटू 1 बाय 1.08। ये डी 12 क्यों आ रहा है? क्योंकि एडवांस है, ऊपर में 12 है। ये अरियर होता ऊपर में 12 आता तो आई 12। तो आई क्या है, मैं पूछ रहा हूं आई क्या है? 8%। तो 8% आई मान के क्या निकालना है? डी 12। समझ गया? अब सॉल्व करो। सर आप 1.08 वापस डिवाइड क्यों कर रहे हैं, एक बार वापस बता सकते हो क्या? एक साल और पुल बैक कर रहे हैं ना, लाइक 2020 के स्टार्ट पे आ रहा है, बट हमको 2019 के स्टार्ट पे चाहिए। अच्छा ठीक है सर, समझ। थैंक यू। ये अपना 2019 हुआ, ठीक है? ये 2019 का स्टार्ट और ये 2019 का एंड, यहां से लेके यहां तक ये 2020 चल रहा है, यहां से 21, यहां से 22। तो पहले यहां पर लाएंगे, फिर ना यहां पर लाएंगे। आंसर मत बताइए, पेन छोड़िए पहले। तो आंसर मेरे को नहीं जानना है, मेरे को क्या जानना है? देखिए मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा, छोड़ो उसको पेन को। आंसर मत बताइए मेरे को, ये इतना आंसर नहीं, चेक करेंगे हम लोग। चेक किच किया तुम, ठीक है? देखो 100 8 u 36 वी टू दी पार 12, क्यों बोले तो 36 महीना एडवांस में पेमेंट होगा 100 करके, तो वैल्यू कहां पर आ जाएगा? 2020। फिर एक साल टानेंगे मतलब 12 महीना टानेंगे, बट ये तो मंथ्स में काम कर रहे हैं ना, तो मंथ्स में काम करने के लिए क्या चाहिए? मंथली इफेक्टिव, जो कि क्या है? I12/12। तो I12/12 निकालना पड़ेगा। तो 1.08 इज इक्वल टू, समझा? और इसमें नीचे में क्या आएगा? डी डी। तो डी अब समझो, अब जो ये मंथली इफेक्टिव रेट आएगा, बेसिकली ये पूरा जिस रेट पे निकालेंगे वो क्या है? मेरे लिए आई, जिस रेट पे निकाले वो क्या है? आई है ना, कितना है? 0.006434। तो ये मेरा आई हो गया, इस पे डी कैसे निकालेंगे? 0.006434 बाय 1.00, समझा कि नहीं? सॉल्व करो इसको, सेम आंसर रहेगा। देखो v पार 12 कैसे निकालेंगे? फैक्टर बनाएंगे, पहले फैक्टर बनाएंगे 1.006434 टू दी पावर, ठीक है ना? v एनुअल हो गया, अभी अपने मंथ्स में कन्वर्ट करके काम कर रहे हैं। हाँ ये तुमने इस रेट पे किया तो इंटू वी टू दी पावर 12 नहीं करके तुम ये कर सकते इंटू वी एट द रेट 8%। हाँ 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 यस मुस्कान सर, बस यही पूछना था जो आपने अभी बताया कि वी हम नॉर्मल ईयरली भी लगा सकते हैं ना ईयर का। यस
ए इधर देखो, हाफ ईयर्स में काम करेंगे, हाफ ईयर्स में काम करेंगे तो एक आधा साल में, एक आधा साल में कितना पेमेंट होगा? 6 × 100, 600। 3 साल में कितना? आधा साल 6। एक आधा साल में कितना बार? 6। ADU एट द रेट, अब ये जो रेट निकालेंगे क्या निकालेंगे? I2/2। तो I2/2 कैसे आएगा? 1.08 इज इक्वल टू 1 प्लस I2/2 का स्क्वायर, विच इज 1.08 टू द पावर 0.5 -1। बताओ कितना आ रहा है? ये कितना आ रहा है बताइए, एक सेकेंड। अब इसको फिर मैं क्या करूंगा, वी स्क्वायर एट द रेट जो भी रेट आ रहा है, क्योंकि एक साल टान रहे मतलब 2 हाफ ईयर टान रहे, और अभी वी क्या है? हाफ ईयर का डिस्काउंटिंग फैक्टर निकालो कितना आ रहा है, 0.00 0.0 3 9 2 3। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 40 करना है क्लास वर्क में। Gracias.
Thank you.
देखो क्वेश्चन नंबर 40 में देखना, A34, सो दिस इज 1 माइनस 1.09 टू द पावर -3 बाय I4, ठीक है? इसका आंसर कितना आ रहा है बताइएगा, 2.6। एक सेकेंड तुम बोलो, 2.6, उसके बाद में AdU44, 1 माइनस 1.09 टू दी पर -4 बाय D4, तो कैसे होगा ध्यान देना, 1.09 इज इक्वल टू 1 बाय 1 माइनस D4 बाय 4 होल टू दी पार 4। कैलकुलेटर का मेरा भी वीडियोस है, वंदिता मैम का भी वीडियोस है, दोनों देख लेना। हम लोग का यूट्यूब चैनल को फॉलो करो, उसमें देखो डेली बेसिस में वीडियो अपडेट होता है, सारा पेपर्स के बारे में नॉलेज रखो। ऐसा नहीं कि जैसे अभी तुम लोग CM1 कर रहे हो तो ऐसा नहीं कि तुम लोग CP2 का वीडियो नहीं देखोगे, जानो तो सर इस पेपर में क्या है, नॉलेज गेन करना पड़ेगा ना। नो दीक्षित मित्र, इट्स नॉट सेम, इट्स नॉट नेसेसरी। इसका आंसर कितना आ रहा है इस वाले का, 3.4222, यही आ रहा है क्या? कितना आ रहा है ऑनलाइन में बताइए, 3.4419942। S/10, इशिका जी बोलिए। सर इसको फर्स्ट वाला बिट में मैंने by LN 1.09 किया, वो गलत हो जाएगा क्यों? सर पार्ट सी में जो भी कर रहा हूं मैं, फर्स्ट नहीं, सर फर्स्ट बिट में। में तो कैसे होगा, एलएन कैसे होगा, तो डेल्टा के लिए होता है ना। अच्छा ओके सर। S/10 क्या हो जाएगा, 1.09 टू दी पावर 10 माइनस 1 बाय एलएन, कितना आ रहा है इसका आंसर, 15.8668, 15.86। इसके बाद में अब हम लोग को निकालना है AdU 10/12, तो कैसे निकालेंगे इसको, 1 माइनस 1.25 टू दी पावर -10/D, तो कैसे निकालेंगे, 1.25 टू दी पावर -1, 1 माइनस D 12/12 होल टू दी पावर 12, कितना आ रहा है इसका आंसर, 4.0375। इसके बाद में A 6.512, तो कितना आता बताओ, 1 माइनस 1.25 टू द पावर -6.5 बाय I 12, कितना आ रहा है इसका आंसर, एक सेकेंड, हाँ 3.39887, ठीक है, क्लियर है? पुट द हेडिंग परपेचुटी, पुट द हेडिंग परपेचुटी, माने जून तक जो बच्चा लाइव क्लास में आ गया, ठीक है, जून एंड तक, वो बच्चा फेल नहीं हो सकता CM1 में। सर आप इतना कॉन्फिडेंस से कैसे बोल रहे हैं, हम आके अगर नहीं सुने तो, अरे यू आर बाउंड टू लिसन। सर हम बहुत वीक था मैथ्स में, तो भी फेल नहीं हो सकता है सर, पेपर बहुत टफ आएगा सितंबर में, तो भी फेल नहीं हो सकता है, कुछ भी हो जाए तो हम लोग फेल नहीं हो सकता है, बट जून एंड तक पूरा रेगुलर क्लास आना पड़ेगा, ठीक है? चलो पुट द हेडिंग परपेचुटी, लिखो एन एनविटी दैट कंटिन्यूज फॉर एवर, एन एनविटी दैट कंटिन्यूज फॉर एवर
is perpetuity. An annuity that continues forever is perpetuity. एक ऐसा एनविटी जो जीवन भर चलते रहे उसको हम लोग क्या बोलेंगे, परपेचुटी. ठीक है, इट इज मेड अप ऑफ, अब कुछ लिखना नहीं है, पेन नीचे रख दो सब लोग. परपेचुअल प्लस एनविटी, माने परपेचुअल मतलब जो चलते रहता है. तो एक ऐसा एनविटी जो जिंदगी भर चले उसको हम लोग बोलेंगे परपेचुटी. ठीक है, अब पहले तो एक फीलर लो. फीलर क्या बोलता है, तुम्हें कंपनी का शेयर बाय किया आईटीसी, ठीक है ना. आज इस साल के, जैसे मान लो तुम बाय किया आज, आज से ठीक एक साल के बाद में तुमको डिविडेंड मिला 11 रुपया का, तो तुम करेगा 11B, फिर तुमको मिला 11 × 5% से डिविडेंड बढ़ा दिया V² फिर दोबारा से 5% से डिविडेंड बढ़ा दिया, ऐसे ही तो जाएगा ना. सोचो पहले, अगर हर साल डिविडेंड 5-5% से बढ़ रहा है तो ऐसे ही जाएगा. पहला साल का डिविडेंड कितना होगा, 11, फिर 11 × 1.05, फिर 11 × 1.05 का स्क्वायर, फिर 11 × 1.05 का क्यूब, ऐसे ही जाएगा ना. और डिस्काउंटिंग फैक्टर, एक साल बाद 11 × V, दो साल बाद जो भी आएगा V², तीन साल बाद जो भी आएगा V³. अगर ये कॉम्प्लेक्स लग रहा है तो इजी वाला ले लो. इजी वाला में मान लो 10 रुपए का डिविडेंड है, कंपनी जिंदगी भर चलेगा, कंपनी हर साल के एंड पे 10 रुपए का डिविडेंड देगा, तो क्या करेंगे, 10V² 10V³ ……. तो A/(1 − R) जीपी है, इनफाइनाइट जीपी है. A/(1 − R), R क्या आ रहा है, 10V² / 10V विच इज V. A/(1 − R), ठीक है. तो A 10V, अब मान लो इंटरेस्ट रेट तुमको दिया हुआ है 9% का, तो तुम कैसे निकालेगा, 10/1.09 ⅙ / 0.09/1.09. क्यों, 1 − V मेरा क्या होता है, D. क्लियर है. तो तुमने क्या किया, एक शेयर से फ्यूचर में जितना भी सारा डिविडेंड मिलेगा सबको टान लिया, फ्यूचर में जितना भी सारा डिविडेंड मिलेगा सबको टान लिया, तो आज का प्राइस आ जाएगा. और यही प्राइस में अगर मार्केट में मिल रहा है तो हम क्या करेंगे, खरीद लेंगे, नहीं तो नहीं खरीदेंगे, महंगा होगा तो नहीं खरीदेंगे. यही तो है ना खेला, बस सॉल्व करो उसको, आंसर निकालो. कितना आ रहा है, तुमको एक बात बताना चाहते हैं. तुम एक चीज सोचो, अपने लाइफ का 2 मिनट रिवाइंड करो. जब मैंने ये क्वेश्चन दिया, ठीक है, तुम्हारे दिमाग में ये स्ट्राइक किया कि मेरे को जब पहला पेमेंट ही 10 मिल रहा है तो उसका वैल्यू करीबन 7-8 से तो नीचे हो ही नहीं सकता है. तो तुम्हारा 0.75 अगर आया, मतलब बहुत ही वेग आंसर आ रहा है. तो तुमको ये चीज लॉजिक लगाना चाहिए था. मैंने बोला लॉजिक लगा के आंसर समझो. आज जैसे मान लो एक जनरल सेंस का क्वेश्चन पूछते हैं. जैसे मान लो किसी का लोन शेड्यूल है, ठीक है, तुम बैंक से 2 करोड़ रुपए उधार में लिया है, तो बैंक को तुम्हारा टोटल पे ऑफ 2 करोड़ होगा, 2 करोड़ से ज्यादा होगा ना 2 करोड़ से कम होगा. दो ऑब्वियस बात है भाई, तुम बैंक से पैसा उठाया ब्याज में, तो तुम्हारा पे ऑफ तो ज्यादा होगा, ब्याज का पैसा तो होगा इसमें. तो ये सब सेंस लगाना है तुम लोग को, ठीक है ना. यह आंसर. अब परपेचुइटी में क्या होता है ना, कॉम्प्लेक्स कुछ भी नहीं है, ठीक है. मैंने एक शॉर्टकट फॉर्मूला बनाया, पहले इसको कॉपी कर लो. ठीक है, तो ये ला हुआ, हाँ ठीक है, कोई भी डाउट, हाँ बोलो.
सर एक बार जीपी की टर्म समझा दो दोबारा कि आपने कैसे लिखी है। ये एक साल के बाद मेरे को पहला डिविडेंड मिलेगा 10 का, 2 साल बाद 10, 3 साल बाद 10, सबको टान लिए। सर फिर पहले वाले को मतलब हम प्रेजेंट ये साल के एंड में मिलेगा ना, तो हम इसको जैसे पहले पहले साल वाले के साथ भी हम वी लगा रहे हैं। हाँ पहला साल ये तो अभी नहीं मिल रहा है, 1 साल बाद मिल रहा है ना, ओके सर, ये 2 साल बाद मिल रहा है, ये 3 साल बाद मिल रहा है। ओके सर। फॉर्मूला लिखिए, ऊपर में हमेशा आ जाएगा एनुअल अमाउंट और नीचे में आएगा I2D2 डॉट 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 डेल्टा, डिपेंड करता है। जैसे मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं अभी, जैसे अपने एनविटी स्पेड पीएचली किए थे ना, एनविटी स्पेड पीएचली में जो डिनोमिनेटर में आ रहा था वही यहां पर भी आएगा। जैसे कंटिन्यूअस पेमेंट हो रहा है तो क्या आ जाएगा, डेल्टा। हाफ ईयरली इन एडवांस आ रहा है D2, ईयरली इन एडवांस आ रहा है D, ईयरली इन अरियर आ रहा है I। क्लियर है, ये कॉपी कर लो। क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35, कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एनविटी दैट पेज 150 पर एनम एनुअली इन अरियर्स फॉर एवर यूजिंग एनुअल इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट 8%। कुछ करना ही नहीं है, एनुअल अमाउंट कितना है 150 डिवाइड बाय 0.08, निकाल लीजिए आंसर आ जाएगा। हाँ 1875। नेक्स्ट क्वेश्चन 36, क्या बोल रहा है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ पेमेंट्स एट टाइम 0 1 2, जीरो में है ए, जीरो में है, तो अगर जीरो में है मतलब क्या, एडवांस ईयरली इन एडवांस, क्योंकि जीरो के बाद वन में है, तो क्या करेंगे नीचे में क्या आ जाएगा, D 2000 बाय 0.076 बाय 1.076, निकाल लीजिए कितना आ रहा है, 28315 पॉइंट, हाँ 28315 आ रहा है, तो 28315 यही ना, कॉपी कर लो पहले यहां तक। थर्टी सेवन, कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एनविटी दैट पेज 300 पर एना मंथली इन अरियर्स। ए मंथली इन अरियर्स का मतलब क्या होता है, I 12, ठीक है ना, फॉर एवर यूजिंग एनुअल इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट 6%, तो हम लोग क्या करेंगे 300 बाय 6% पे I 12, I 12 एट द रेट I इज इक्वल टू, तो निकालो 1.06 इज इक्वल टू 1 प्लस I 12 बाय 12 होल टू द पावर, तो 1.06 टू द पावर 1/12 माइनस 1 होल इनटू 12। सॉल्व करिए इसको, सॉल्व करिए इसको, कितना आ रहा है बताइए। हाँ 5 1, सॉरी फाइनल से कितना आ रहा है 5136 पॉइंट, ठीक है ना। क्यों आएगा एरर, ठीक है, धीरे धीरे स्मूथ हो जाएगा। खुजरा लेके जाना एग्जाम में, ठीक है, जैसे मान लेगा 25 पैसा का फर्क आएगा तो लगा देगा पेपर में। हाँ नोट स्कैन कर देगा, 1 ठो 10 रुपए का फर्क आएगा, बोले टेक $10। ऐश्वर्या पारीक बोलिए। सर क्वेश्चन नंबर 36 का डिनोमिनेटर वाला बताओ ना वापस। नहीं एनुअली इन एडवांस है ना, तो एनुअली इन एडवांस है तो नीचे डी आएगा, ये मैं आपको प्रूफ करके भी दिखा देता हूं। 36 का लॉन्ग कट देखो, लॉन्ग कट 2000 प्लस 2000 वी प्लस 2000 वी स्क्वायर, क्यों, क्योंकि पहला पेमेंट टाइम जीरो पे होगा, पहला पेमेंट टाइम जीरो पे हो रहा है, तो 2000 जो पहला पेमेंट आज टाइम जीरो पे होगा उसका वैल्यू टाइम जीरो पे कितना 2000, तो 2000 2000 वी 2000 वी स्क्वायर प्लस डॉट डॉट टू इंफिनिटी, तो क्या आ जाएगा ए बाय 1 माइनस आर विच इज 2000 बाय डी। हाँ कि ना,
हुआ ये ला, हाँ पुट दैट इन, ये लो हो गया, पुट दैट इन डेफर्ड एनविटी, ठीक है। मैं इधर देखो कुछ भी नहीं है, ठीक है, डेफर्ड में कुछ समझने का नहीं है। एक ऐसा एनविटी जो आज नहीं कुछ टाइम बाद चालू हो उसको क्या बोलेंगे, डेफर्ड एनविटी, ठीक है। जैसे कि एक एग्जांपल देख लो, ये जीरो है ठीक है ना, ये टेन है, मैं बोलता हूं एनविटी अरियर्स में है, एनविटी अरियर्स में है, 15 साल का एनविटी है बट 10 साल बाद चालू होगा, तो टाइम 10 को जीरो मान लेंगे, तो पहला पेमेंट कब होगा, एनविटी 15 साल का है तो 11 पे मेरा पहला पेमेंट हो रहा है, तो टाइम 25 पे मेरा 15वां पेमेंट होगा, हर पेमेंट तुम्हारा 100-100 रुपया का है, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरे को 10% दे दिया है, बोला है प्रेजेंट वैल्यू निकालिए टाइम जीरो पे, डेफर्ड एनविटी मतलब एक ऐसा एनविटी जो या तो टाइम जीरो या फिर टाइम वन से चालू नहीं हो रहा है, वो क्या है, डेफर्ड है। अगर एनविटी में बोलता है इमीडिएट एनविटी, इमीडिएट मतलब डेफर्ड नहीं है, इमीडिएट का मतलब ऐसा नहीं कि टाइम जीरो से चालू हो रहा है, इमीडिएट का मतलब होता है कि डेफर्ड नहीं है, तो अगर कुछ नहीं बोलेगा और बोलेगा इमीडिएट एनविटी है तो हम लोग मानेंगे अरियर्स मतलब टाइम वन, अगर बोलता है इमीडिएटली मतलब टाइम जीरो, ठीक है। अब जैसे यहां पर पहला पेमेंट टाइम 11 से हो रहा है तो बहुत सिंपल है, 15 साल का एनविटी है, तो अगर हम लोग यहां पर फॉर्मूला लगाएंगे 100A15 तो वैल्यू कहां पर आएगा पहले ये बताओ, टाइम 10 पे आ जाएगा एट द रेट 10%, फिर टाइम 10 पे तो वैल्यू निकालना है नहीं, 10 से 0 पे क्या करेंगे, 10 साल का डिस्काउंटिंग फैक्टर वी टू द पावर 10 एट द रेट 10%, सॉल्व करिए इसको। ये एनविटी का नोटेशन देखिए, इधर देखिए 10 डेफर्ड ए 15, डेफर मतलब क्या, एनविटी 15 साल का है बट कितना साल डेफर्ड है, 10 साल, ठीक है, डेफर मतलब ये सिंबल है डेफर का, टू नाइन थ्री पॉइंट टू फोर चलो सॉल्व करिए, देखिए ये आ रहे कि नहीं आ रहे, सर एक बार वापस से रिपीट कर दीजिए ना, आपने कहां तक सुना, सर सुना पूरा है बट थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। देखो इसमें क्या बोल रहे हैं हम लोग को, 100 रुपया का 15 साल का एनविटी है बट पहला पेमेंट आपका टाइम 11 से होगा, तो 11 से लेके 25 तक 15 साल हो रहा है, इन सारे पेमेंट्स को मैं पुल बैक करूंगा एट टाइम 10 जो कि विजुअली मेरे लिए टाइम जीरो है, क्योंकि एनविटी क्या बोला है 10 साल डेफर्ड है और अरियर्स में है, ठीक है। तो सारा को पहले टाइम 10 पे लाएंगे और फिर 10 से 0 पे लाएंगे, 10 से 0 पे लाने का जो फैक्टर है वो होता है वी टू द पावर 10, ठीक है, तो 100A15 से मेरा वैल्यू आ जाएगा टाइम 10 पे, फिर 10 से 0 पे लाएंगे वी टू द पावर 10 करके। ओके सर, ध्यान दीजिए क्लास में, ध्यान दीजिए कितना आ रहा है इसका आंसर, हाँ ठीक है। अब इसके बाद में 8 डेफर्ड 8 12 निकालो एट द रेट 6.2%, ठीक है। अब ध्यान से देखना, ये जो मेरे को दिया है ना इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 8 12 मतलब एनविटी 12 साल का है, रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरे को 6.2% दे दिया बट एनविटी कितना साल डेफर्ड है, 8 साल, तो कैसे करेंगे देखो, ए 12 एट द रेट 6.2%, इससे वैल्यू कहां पर आ जाएगा, टाइम 8 पे, टाइम 8 से 0 पे कैसे लाएंगे, वी टू द पावर 8 एट द रेट 6.2%, सॉल्व करिए इसको, तो कैसे सॉल्व होगा, 1 minus 1.062 to the power minus 12 by 0.062 into 1 by 1.062 whole to the power 8, सब लोग चैट बॉक्स में आंसर लिखेंगे कितना आ रहा है,
सब लोग चैट बॉक्स में आंसर लिखेंगे कितना आ रहा है, कितना 5.12। क्लियर है हाँ कि ना? चलो इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 39। ये वाला हो गया ना? एन एलियन ऑन द प्लैनेट जी इज करेंटली एज 48 इयर्स ओल्ड, माने अभी उसका एज कितना है 48। व्हेन द एलियन रिटायर्स एट एज 60, कितना साल बाद, 12 साल बाद, इट विल रिसीव एन इनकम ऑफ 500 पर ईयर पेबल कंटिन्यूअसली, माने देखो कब से पेमेंट मिलेगा यहां से 500 पर ईयर, तो डेफर्ड हो गया ना। गिवन दैट ऑल एलियंस ऑन द प्लैनेट जी डाई एट एज 76, मतलब कितना साल तक मिलेगा, 16 साल 500 करके कंटिन्यूअस, 16 साल 500 करके कंटिन्यूअस, 16 साल 500 करके कंटिन्यूअस, ठीक है। कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द रिटायरमेंट बेनिफिट यूजिंग इंटरेस्ट रेट 10%, मतलब आई कितना दे दिया है, जहां कंटिन्यूअस देखा वहां उछलने मत लग जाना, देखा जहां कंटिन्यूअस देखा वहां उछलने मत लग जाना कि डेल्टा है, क्या दिया हुआ है आई, पूरा जीता जाता एग्जांपल अभी हम दिखा दिए। एक्चुअली पता क्या होता है, हम भी स्टूडेंट थे क्योंकि सास भी कभी बहू थी, ठीक है, तो देखते जा कंटिन्यूअस डेल्टा, अरे देखो तो सही क्या दिया हुआ, आई दिया हुआ, आई टू दिया हुआ, आई फोर क्या, यही तो ट्रिक है, कहां फंसाएगा, क्वेश्चन चुड़ैल का रूप है, ये जो दिया ये चुड़ैल है, एक तो कंटिन्यूअस दे दिया और एक आई दे दिया, हाँ क्यों निकालेंगे, क्यों निकालेंगे, नहीं निकालना है डेल्टा भी। पहले क्वेश्चन का एक तो तुम लोग पहले कॉपी कर लो, पता नहीं क्या लिख रहे हो, कुछ लिखे ही नहीं, क्या लिख रहे हो इतना देरी से, एक तो ये कितना देर से क्या लिख रहे हो बाबू, तुम क्या लिख रहे हो, हाँ तो हिल क्यों रहे पेन को लेके, ठीक है चलो, बोला है 12 साल बाद 16 साल के लिए एनविटी मिलेगा 500 करके, तो 500 बोलो, 500 जल्दी बोलो, ए बार प्रेजेंट वैल्यू बोला है, ठीक है। अगर यही बोलता 76 पे जब मर रहा है तो कितना रुपए ऊपर लेके जा रहे, तो ए बार 16 एट द रेट आई इज इक्वल टू, ये लिख देना, नहीं तो धीरे धीरे आई क्या बन जाएगा, डेल्टा इंटू 1.1 टू द पावर माइनस 12, 12 साल डिस्काउंटिंग। अब इधर देखो ए बार 16 है ना, क्या सॉल्व होगा, 500 1 माइनस 1.1 टू द पावर माइनस 16 बाय ln 1.1 इंटू 1.1 टू द पावर माइनस, सॉल्व कर लीजिए इसको, कितना आ रहा है 1307 पॉइंट, ठीक है। एक क्वेश्चन लिखो, कॉपी कर लो पहले उसके, क्वेश्चन लिखो पहले, कॉपी कर लो आराम से, बहुत इजी है एक्चुअली, मतलब बहुत इजी है, पता है कोई कंसिस्टेंटली करने वाला चाहिए, मैंने एक्चुअली में पता है मन में जो सोच के रखे हो ना कि कितना बड़ा सिलेबस होगा, क्या होगा आगे जाके, और डिफिकल्ट कुछ नहीं है, जिसका हो गया वो बोलेगा अरे बाप रे बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, बंची डोंट डू इट, जिसका हो गया है ना, हम तो देखो बोलेंगे कि, बट जिसका हो जाएगा उसे बोलेगा अरे बाप रे हम तो पूरा पूरा दिन नया, ऐसा कुछ नहीं है, 2 महीना कोई भी पेपर आराम से हो सकता है, ठीक है। कोई भी टाइप का एडवाइस चाहिए भैया दीदी के पास मत जाओ, मेरे पास आओ, मैंने घर के भैया दीदी का बात नहीं होता, जो बिल्डिंग में जो भैया दीदी लोग नहीं होते हैं जिनका अभी अभी प्लेसमेंट लगा है, ठीक है। लिखना कंपाउंड इंक्रीजिंग एनविटी,
क्वेश्चन लिखो सीधा, क्वेश्चन लिखो सीधा, लिखो मेडिकल एक्सपेंसेस पर एनम, मेडिकल एक्सपेंसेस पर एनम टुडे आर 5,000 पर एनम, मेडिकल एक्सपेंसेस पर एनम टुडे इज इक्वल टू 5,000, ठीक है, मेडिकल इन्फ्लेशन इज इक्वल टू 7%, मेडिकल इन्फ्लेशन इज इक्वल टू 7%, ठीक है, रिस्क डिस्काउंट रेट 10%, रिस्क डिस्काउंट रेट 10% आई, ठीक है, कैलकुलेट मेडिकल कॉस्ट इंक्लूडिंग टुडे फॉर द नेक्स्ट 20 ईयर्स, कैलकुलेट मेडिकल कॉस्ट इंक्लूडिंग टुडे फॉर द नेक्स्ट 20 ईयर्स, कैलकुलेट प्रेजेंट वैल्यू, टीवी लगा दो, कैलकुलेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द मेडिकल कॉस्ट, ऑफ द मेडिकल कॉस्ट इंक्लूडिंग टुडे फॉर द नेक्स्ट 20 ईयर्स, ठीक है, ये एक बेसिक सा क्वेश्चन मैंने बनाया है, ठीक है, कंस्ट्रक्शन उतना स्ट्रांग नहीं है बट फील पूरा दे देंगे, ठीक है। तो अभी जैसे समझो मेडिकल खर्चा है, तो दवाई है मान लो, ठीक है, तो दवाई जो होता है आज से 10 साल पहले जितना मिलता था आज ऑफिस से बात महंगा में मिलेगा, तो हम लोग यहाँ पर एक ग्राफ बना रहे हैं, ये डेटा कॉपी कर लिया ना, नहीं भी कह तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बोलता है हर साल का जो मेडिकल एक्सपेंसेस है वो हम लोग एक बार साल के स्टार्टिंग में कर लेते हैं, क्योंकि दवाई का 3-4 साल एक्सपायरी होता है, ठीक है, तो 0, 1, 2, 3... ये 19 हो गया, 20 हो गया, बोलता है पहला साल का जो मेडिकल खर्चा है वो कितना है, 5,000, हाँ कि ना, पहला साल का जो मेडिकल खर्चा है वो कितना है, 5,000, दूसरे साल का कितना है, 5,000 इंटू 1.07, क्योंकि 7% से मेडिकल का खर्चा बढ़ रहा है, तो हर साल का पेमेंट हर साल के स्टार्ट में हो रहा है, 20 साल का बोला है तो 20 पे कोई पेमेंट नहीं होगा, 20th ईयर का पेमेंट होगा, 20th ईयर का बिगिनिंग विच इज टाइम 19, 5,000 इंटू 1.07 टू द पावर 19, क्यों 19, क्यों 19, पहला वाला में क्या है 1.07 टू द पावर 0, तो 0 से 19 20 साल हो गया, टानने का रेट क्या दिया है 10% दिया है, सबका प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे, नॉर्मल जीपी से सॉल्व करेंगे, नॉर्मल जीपी से सॉल्व करेंगे, देखो कैसे ये ग्राफ बनाना चालू करो तो क्या हो जाएगा, 5,000 इंटू 1.07 टू द पावर 0 वी टू द पावर 0 प्लस 5,000 1.07 वी होल टू द पावर 1 प्लस डॉट 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 प्लस 5,000 1.07 वी होल टू द पावर 19, कोई बता सकता है इसके अंदर कितना टर्म्स है, 20 टर्म, 20 साल 20 पेमेंट 20 टर्म, 20 साल 20 पेमेंट 20 टर्म, ये वाला हो गया। अब इसमें देखो कॉमन रेशियो निकालो तो कॉमन रेशियो क्या आएगा, 1.07 वी, जहां पर वी क्या है 1/1.1, हाँ कि ना, वी क्या है 1/1.1, ठीक है, तो 5,000 बाहर, 5,000 बाहर निकाल लो, 5,000 पूरा से बाहर आ गया, तो ए ए क्या है 1, अरे ये क्या है, ये ए है ना, तो ये क्या है 1, ए 1 - r, 1 - r टू दी पावर n बाय 1 - r, सॉल्व करके आंसर निकालिए, मैंने बोला ना इंक्लूडिंग टुडे, मैंने एजम्पशन लिया कि हर साल का मेडिकल इन्फ्लेशन एकदम स्टार्टिंग में हो रहा है, सर रिस्क डिस्काउंट रेट एक्चुअली है क्या? आई इंटरेस्ट रेट, जो एक्चुअली मार्केट में एक्चुअली क्या होता है, जो भी इन्वेस्टमेंट्स होते हैं उनमें रिस्क रहता है, तो इसको बोलते हैं रिस्क डिस्काउंट रेट। ओके सर, थैंक्स। सर डरा मत भाई, धीरे बोल बोल। सर ये 1.07 डिवाइड बाय 1.1 आर कैसे लेना? क्यों तुम
तुम करके देख लो, सेकेंड टर्म में फर्स्ट टर्म करो, देखो तो ये नहीं आया तो नाम बदल देंगे। आंसर बोलिए, 77879.2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 54, पेज 16, क्वेश्चन नंबर 54, पेज 16, क्वेश्चन नंबर 54। कैलकुलेट द प्राइस, अब जब हम बोल दिए क्वेश्चन नंबर वहीं पर आगे बढ़ जाना, ठीक है। कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एनविटी पेबल एनुअली इन अरियर्स फॉर 15 ईयर्स। मतलब देखो अरियर में बोल दिया है वेयर द फर्स्ट पेमेंट इज 500, पहला पेमेंट कितने का है, तो मतलब देखो ग्राफ बना रहे हैं, ग्राफ बना रहे हैं, 0 1, पहला पेमेंट 1 पे होगा 500 का, दूसरा पेमेंट ईच पेमेंट इंक्रीज बाय 3%, 500 × 1.03 टाइम 3 पे क्या होगा 500 × 1.03 का स्क्वायर, और टाइम 15 पे क्या होगा 500 × 1.03 to the power 14। अब मेरा बात ध्यान से सुनना, कंपाउंड इंक्रीज का मतलब क्या होता है, एक रेट से इंक्रीज होगा, अगर एक रेट से इंक्रीज होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे कंपाउंड इंक्रीज, ठीक है ना। ये हम लोग को दे दिया, टानने का रेट क्या दे दिया है 10%। चलो चालू करो, प्रेजेंट वैल्यू क्या निकालेंगे, 500 V + 500 1.03 V का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 500 1.03 to the power 14 V to the power 15, तो क्या कॉमन आ जाएगा बताओ। वेरी गुड, 500 V क्या है 1.5, माने 1/1.1 है, ब्रैकेट ओपन 1 + 1.03 / 1.1 + 1.03 / 1.1 का स्क्वायर डॉट डॉट डॉट, लास्ट वाला क्या हो जाएगा 1.03 / 1.1 to the power 14। क्लियर है सबको, येस और नो? हाँ, अब इसको सॉल्व करिए तो क्या आ जाएगा, 500 / 1.1 a 1 - r r to the power n / 1 - r। सॉल्व करिए इसको, सॉल्व करिए इसको,
और आगे भी
Thank you.
हमको सब कुछ भी नहीं है, पर्सनल पर्सनल कुछ नहीं होता, हम तुम भाई भाई है। कितना हुआ बोलो पहले? 4478 पॉइंट, ठीक है। हेडिंग लगाना, टफ लग गया, टफ है। हेडिंग लगाओ इंक्रीजिंग एनविटी। ठीक है, इसको हम लोग बोल सकते हैं सिंपल इंक्रीज एनविटी। तो सिंपल इंक्रीज में ध्यान से सुनना, इंक्रीजिंग एनविटी है, सिंपल इंक्रीज एनविटी है। कंपाउंड इंक्रीज में क्या था, एक परसेंटेज से बढ़ रहा था। सिंपल इंक्रीज में क्या है, एक अमाउंट से बढ़ रहा है। अमाउंट का मतलब क्या होता है, ये जीरो है, ये वन है, ये टू है, ये थ्री है, डॉट डॉट डॉट, ये एन है। अगर अरियर्स में हो रहा है तो पहला पेमेंट वन का होगा, फिर टू का, फिर थ्री का, और यहां पर एन का। तो पहला पेमेंट वन का है और हर एक पेमेंट भी वन से बढ़ रहा है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग बोलेंगे सिंपल इंक्रीज एनविटी इन अरियर्स। एक अमाउंट से बढ़ रहा है, एक कॉन्स्टेंट अमाउंट, वहां पर एक कॉन्स्टेंट रेट, ठीक है। तो देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे। इसका नोटेशन होता है आई स्मॉल ए एन, कैपिटल आई स्मॉल ए एन, ठीक है ना। देखो इसको लिखेंगे कैसे, वन इंटू वी, टू इंटू थ्री इंटू प्लस डॉट 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 प्लस एन इंटू वी टू दी पावर, ठीक है। तो इसको एक बार के लिए हम लोग ए मान लेते हैं, ए मान लेते हैं, ठीक है। तो अगर ये मेरा ए है तो हम लोग करते हैं वन प्लस आई इंटू ए। तो वन प्लस आई अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे पूरा में तो क्या आ जाएगा, वी के जगह में क्या आ जाएगा, वन प्लस टू वी स्क्वायर के जगह में क्या आ जाएगा, थ्री वी क्यूब के जगह में क्या आ जाएगा, प्लस डॉट 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 प्लस एन बी टू दी पावर एन के जगह में क्या आ जाएगा, एन बी टू दी पावर। अब इस पूरा को कॉपी हो गया, पहले यहां तक कॉपी कर लो। हम लोग कर रहे हैं सिंपल इंक्रीज एनविटी अरियर्स वाला केस कर रहे हैं, ठीक है। पहले यहां तक कॉपी कर लो। मान लो ये वाला है मेरा वन और ये वाला है मेरा टू, और हम लोग को करना है टू माइनस वन। हम लोग को करना है टू माइनस वन, हम लोग को करना है टू माइनस वन, ठीक है। हम लोग को करना है टू माइनस वन। ध्यान देना, ध्यान देना, अगर हम लोग करेंगे तो क्या आएगा, वन प्लस आई इंटू ए माइनस ए इज इक्वल टू, बोलो, वन प्लस वी स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट। यहां पर क्या हुआ होगा, एन माइनस वन, तो एन माइनस वन क्या हो जाएगा, वन। सो वी टू दी पावर एन माइनस वन, माने ये पूरा माइनस ये पूरा, मतलब वन का तो सारा एक्स भी माइनस है,
लास्ट में ये एक टर्म अकेला बच गया, तो माइनस एन वी टू द पावर एन, और ये क्या है, ये क्या है, एनविटी पेड इन एडवांस फॉर एन ईयर्स, लेवल एनविटी पेड इन एडवांस फॉर एन ईयर्स। तो इसका फॉर्मूला अपना क्या आ जाएगा, ए ड्यू एन, इसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा, ए ड्यू एन, तो ए ड्यू एन माइनस एन वी टू दी पावर एन। तो सॉल्व करिए इसको, कॉपी हुआ ये वाला, कॉपी करिए पहले यहां तक। तो इसमें अभी हम लोग क्या बोल सकते हैं, आई ए इज इक्वल टू ए डी यू एन माइनस एन वी टू द पावर एन। तो ए मेरा क्या हो जाएगा, ए डी यू एन माइनस एन वी टू द पावर एन बाय आई, और हम लोग क्या बोल सकते हैं, आई ए एन इज इक्वल टू ए डी यू एन माइनस एन वी टू द पावर एन बाय आई। सर एक बार लास्ट टर्म का रिपीट कर दो, एन एन वी एन वाला। तुम करो ना, मैंने नीचे वाला पूरा टर्म माइनस ऊपर का सारा टर्म, तो एक एन वी एन तो अकेला बच जाएगा ना, जैसे यहां पर स्टार्टिंग में वन बचा था। अब इसी का एडवांस वाला केस करना है, तो एडवांस वाला केस कैसे होगा, जीरो वन टू थ्री, ठीक है, तो जीरो पे वन का पेमेंट होगा, यहां पर टू का, यहां पर थ्री का, एन माइनस वन पे एन का पेमेंट होगा, यहां पर कोई पेमेंट नहीं होगा। तो अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, ध्यान से मेरी बात को सुनना, तो इसको अभी हम लोग बी ले लेते हैं, प्रेजेंट वैल्यू को बी ले लेते हैं, तो वन प्लस टू वी प्लस थ्री वी स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस एन माइनस वन वी टू दी पावर एन माइनस टू प्लस एन वी टू दी पावर एन माइनस वन। अब इस पूरे टर्म को हम लोग वी से मल्टीप्लाई करेंगे, तो वी बी इज इक्वल टू, वी से मल्टीप्लाई करने से वन इंटू वी क्या हो जाएगा, बोलो, वी प्लस टू वी स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस, यहां पर क्या लिखेंगे बताओ, बोलो, एन माइनस वन, तो ये यहां पर नहीं लिखेंगे, प्लस एन माइनस वन वी टू द पावर एन माइनस वन, और एक टर्म क्या आ जाएगा, एन वी टू द पावर। अब हम लोग को क्या करना है, अगेन अब हम लोग को करना है वन माइनस टू, ठीक है, ये मेरा वन है, ये मेरा टू है, अब करो वन माइनस टू, ठीक है, तो वन एक अलग से बच जाएगा, टू वी माइनस वी वी, थ्री वी स्क्वायर टू वी स्क्वायर, फोर वी क्यूब थ्री वी क्यूब, ऐसे हो जाएगा। हाँ, कॉपी करिए पहले यहां तक। सिंपल इंक्रीज एनविटी में एक स्पेसिफिक अमाउंट से बढ़ेगा, ठीक है, हाँ स्क्रीन बोलो सर, एक सेकंड ऊपर स्क्रॉल करोगे, और ऊपर नहीं सर, हो गया,
सर डन। तो अब इसमें क्या आ जाएगा देखना, इसमें हम लोग का आएगा b माइनस वी बी वन प्लस वी प्लस वी स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस वी टू द पावर, ठीक है ना, माइनस एन वी टू द पावर एन, ठीक है। सो बी वन माइनस बी क्या होगा बोलो, ए डी यू एन माइनस, ठीक है ना, वन माइनस बी क्या हो जाएगा, सो बी ए डी यू एन माइनस एन वी टू द पावर एन बाय डी। क्लियर है? हाँ, क्या नोटेशन? अच्छा, इसका आई ए डी यू एन, आई डिनोट्स सिंपल इंक्रीज, आई डिनोट्स सिंपल इंक्रीज, ओके। हाँ ऐश्वर्या बोलो। सर अरियर वाले में जो सेकंड इक्वेशन है वो कैसे आई? वन प्लस आई मल्टीप्लाई करके, इसको मैंने ए लिया था तो इसमें आप वन प्लस आई मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है सर। क्लियर है सबको यहां तक? हेलो, कॉपी हो गया पूरा? सर थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करिए। और नहीं बस सर। हो गया? चलो क्वेश्चन लिखो अब। आई ए 60 एट द रेट 9% तो क्या आ जाएगा, ए डी यू 60 माइनस 60 वी टू द पावर 60 बाय 0.09। सिमिलरली आई ए डी यू 60 अगर अपने को बोलता है तो क्या हो जाएगा, ए डी यू 60 माइनस 60 वी टू द पावर 60 बाय 0.09 बाय 1.09। अब ए डी यू 60 निकालो, 60 वी टू द पावर 60 भी निकालो, चालू करिए। कितना आ रहा पहले वाले का आंसर? हाँ 130.016। और दूसरे वाले का?
हुआ बोलो ना, क्वेश्चन नंबर 48 पेज नंबर 15। कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अ सीरीज ऑफ 10 एनुअल पेमेंट्स वेयर द फर्स्ट पेमेंट इज 500 मेड इन वन ईयर्स टाइम एंड ईच पेमेंट इज 100 हायर। मेरे पास सुनना, जब भी बढ़ा के पेमेंट होगा, जैसे मान लो यहां पर पेमेंट कैसा हो रहा है, 500, 600, 700 ऐसे हो रहा है ना, और कितना पेमेंट बोला है, 10 पेमेंट बोला है, तो जब भी बढ़ा के पेमेंट होगा तो गिरा के लिखेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल इसको हम लोग को ब्रेक करना पड़ेगा बिटवीन लेवल एंड इंक्रीजिंग, तो हम लोग लिखेंगे 400 प्लस 100 इंटू 1, 400 प्लस 100 इंटू 2, 400 प्लस 100 इंटू 3 एंड सो ऑन। समझ गया, 10 पेमेंट होगा अरियर्स में होगा, और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या दिया है देखो क्वेश्चन नंबर 48 में, 8%। तो इसका ग्राफ हम लोग कैसे बनाएंगे, ध्यान देना, ये मेरा हो गया 0, ये मेरा हो गया 1, ये मेरा हो गया 2, डॉट डॉट अप टू 10। तो 400 प्लस 100 इंटू 1, 400 प्लस 100 इंटू 2, डॉट 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 400 प्लस 100 इंटू 10। तो 400 का मेरा लेवल हो गया और 100 का मेरा इंक्रीजिंग हो गया, पहला पेमेंट 100 का और हर पेमेंट भी 100 से बढ़ रहा है। तो हम लोग को क्या निकालने बोला, प्रेजेंट वैल्यू। सो 400 का हम लोग बनाएंगे A10 और 100 का हम लोग बनाएंगे IA10। इस पूरा चीज को हम लोग इवेल्युएट करेंगे एट द रेट 8%। चलो चालू करो। चालू करिए, निकालिए।
कितना आ रहा है? 5952। एसी बंद करो तो सामने वाला 49 देखना। कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ पेमेंट्स ऑफ 50 एट टाइम 0, 60 एट टाइम 1। द लास्ट पेमेंट इज एट टाइम 10 इयर्स, मतलब टाइम 10 पे पेमेंट होगा। तो 0 से 10 मतलब टोटल कितना पेमेंट्स होगा? 11। और पेमेंट्स यहां पर बढ़ रहे हैं, पेमेंट्स यहां पर बढ़ रहे हैं, तो घटा के लिखना पड़ेगा। 50 को हम लोग लिखेंगे 40 प्लस 10 इंटू 1, 40 प्लस 10 इंटू 2 डॉट डॉट डॉट, 40 प्लस 10 इंटू 11। तो हम लोग को क्या निकालना है? प्रेजेंट वैल्यू। इंटरेस्ट रेट 4.2% दे दिया है। 40 एड यू 11 प्लस 10
IADU 11 एट द रेट 0.042। सॉल्व करिए इसको, हार देंगे आपकी बार, हम लोग बाकी सबको दिखा देंगे कि हम लोग में कितना दम है। ठीक है, मैं सबका रैंक वन सोच ही लिए आपकी बार, सबका 100 में 100। हाँ तो क्या दिक्कत है, मैं पैसा कमी है क्या मेरे पास, मैं सोचता हूँ कहाँ खर्चा करूँ पैसा, इसलिए मैं कुछ खर्चा ही नहीं करता। लास्ट में सॉल्व करो, यहां की नहीं कैमरा है, कैमरा अभी उठा के दो जन को ऐसा बोलेंगे और देखना दोनों और जन नहीं कर रहा होगा, हमको मजबूर मत करो तुम लोग। 1 minus 1.042 to the power minus 11 by 0.042 by 1.042 plus 10। अब IADU तो ADU 11 minus 11 V to the power 11 by, देखा यहां से जो निकालेगा वही इसमें डाल देगा। कितना आ रहा है, 866.04। क्वेश्चन नंबर 52 क्लास वर्क में, चलो चालू करिए ये वाला, करिए क्वेश्चन नंबर 52 क्लास वर्क में, चालू करिए चालू करिए, डरिए मत डरिए मत। हे भगवान, A man makes payments into an investment account of 200 at time 5, 190 at time 6. गिर रहा है, तो जितना से गिरेगा उतना से बढ़ा के लिखेंगे। ठीक है, सुनो ना, पहला पेमेंट हो रहा है टाइम 5 पे और लास्ट पेमेंट हो रहा है टाइम 15 पे, तो 10 साल हो गया। हाँ ऋषभ तुम बाहर निकलो थोड़ा बाबू, हाँ पहला पेमेंट टाइम 5 पे हो रहा है, लास्ट पेमेंट टाइम 15 पे हो रहा है, तो 10 साल हो गया। हाँ काउंटिंग सीखा था क्लास 1 में, बोलो तो एक बार काउंट करो तो मेरे साथ साथ, 5 6 7 8 9 10, 6 हो गया ना, दोबारा से 11 12 13 14 15, कितना साल हो रहा है, टाइम 5 पे कितना हो रहा है, जल्दी बोलिए, 200। गलत, 210 माइनस 10 इंटू 1 210 माइनस 10 इंटू 2 डॉट डॉट 210 माइनस 10 इंटू 11, हाँ कि ना। ठीक है, अभी हम लोग को क्या बोला है, प्रेजेंट वैल्यू एट टाइम 4 है, इधर देखो टाइम 4 पे खड़ा होकर देख रहे हैं तो क्या दिख रहा है, अरियर पहला पेमेंट टाइम 4 पे अगर खड़े हो रहे हैं तो पहला पेमेंट कब हो रहा है, टाइम 4 पे ना, एक साल बाद, एक साल बाद। ठीक है, हमको तो बहुत मजा आता है, 210 A A 11 माइनस 10 IA
इलेवन एट द रेट, ये हो गया। फिर जीरो पे लाना है तो वी टू द पावर फोर एट द रेट, ठीक है। जब बोला है प्रेजेंट वैल्यू एट टाइम फोर निकालना है तो क्यों तुमको वैसे करना है, जब सीधा सीधा क्वेश्चन हो रहा है आएगा, क्यों नहीं आएगा, आएगा वी टू दिपर फोर। अब ये कहां पर आ गया, टाइम जीरो पे, हाँ कि ना। और जैसे ही टाइम जीरो पे आ गया, अब इसको कहां लेके जाएंगे, 15 पे कैसे लेके जाएंगे, 1.035 टू दी पावर, चलो इसको सॉल्व करो, 5 मिनट का टाइम दे रहे, चलो इसको सॉल्व करो, फिर नया चीज करेंगे, सॉल्व करिए। हेडिंग लगाना। यस मुस्कान सर, एक बार ये बता दो कि टाइम फोर वाला कैसे करना है। टाइम फोर वाला, आपका पहला पेमेंट टाइम फाइव पे हो रहा है, 11 साल हो रहा है, और आप टाइम फोर पे खड़े हो गए तो आपको 1 साल बाद दिख रहा है, तो अरियर्स में हो रहा है, तो नॉर्मल करेंगे। 11 साल है ना सर, टाइम फाइव को मतलब कि फाइव के बिगिनिंग पे हो रहा है।
टाइम फाइव मतलब टाइम फाइव का एंड होता है, टाइम फोर मतलब टाइम फोर का एंड होता है, जीरो मतलब फर्स्ट ईयर का बिगनिंग होता है। हेडिंग लगाना अब, बाकी घर पे करना। इधर देखो, अब इधर देखो, हेडिंग लगाओ आई ए बार एन, ठीक है ना। अब आई ए बार एन का मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनना, लिखो इसका मतलब, इंक्रीज इज डिस्क्रीट बट द पेमेंट इज कंटिन्यूअस, एन यू ओ यू एस। तो इंक्रीज इज डिस्क्रीट, तो पहला साल होगा वन इंटू ए बार वन, मैंने समझा, वन इंटू ए बार वन का मतलब क्या होता है, मैंने पेमेंट पहला साल कंटिन्यूअस हो गया एक रुपया का, फिर टू इंटू ए बार वन इंक्रीज होगा ना, पहला साल वन दूसरा साल टू, तो ए बार वन क्योंकि कंटिन्यूअस हो रहा है, और फिर ये वाला का वैल्यू कहां पर आएगा, टाइम वन पे आएगा, फिर इसको टाइम वन से टाइम जीरो पे लाने के लिए वी, फिर थर्ड ईयर में कितने का, तीन का पेमेंट होगा, उसके लिए कंटिन्यूअस हो रहा बोल के ए बार वन, इसका वैल्यू कहां पर आ जाएगा, टाइम टू पे, इसलिए यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर टाइम एन पे क्या हो जाएगा, एन का ए बार वन, ठीक है ना, वी टू द पावर एन माइनस वन। मैं इसको ग्राफिकली पहले ये कॉपी कर लो, फिर मैं दिखाता हूं इसको, मैं इसको ग्राफिकली भी एक्सप्लेन करता हूं। पहले इसको एक बार कॉपी करिए सर, ये लास्ट टर्म फिर से बोलो ना। हाँ मैं बता रहा हूं, एन इंटू ए बार वन वी टू द पावर एन माइनस वन, घर पे भी पढ़ना पड़ेगा, घर पे एकदम पढ़ाई नहीं हो रहा है। ये कौन है, ये नरूटो? हाँ ऐश्वर्या बोलो। सर इक्वेशन वापस एक्सप्लेन कीजिए ना। हाँ मैं कर रहा हूँ, एक सेकंड, पहले ग्राफिकली देख लीजिए तब आपको समझ में आ जाएगा, पहले कॉपी करिए। अब देखो यहां पर क्या हो रही है, जीरो है और ये वन है, तो पहला साल पेमेंट हो रहा है वन का, बट ये एक बार में नहीं हो रहा है, कंटिन्यूअस हो रहा है। फिर दूसरा साल में क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, पेमेंट हो रहा है टू का। फिर यहां पर क्या हो रहा है, तीसरे साल में पेमेंट हो रहा है थ्री का। फिर यहां पर क्या हो रहा है, फोर का। फिर यहां पर क्या हो रहा है, फाइव का। तो देखो ए बार वन, यहां से यहां तक ए बार वन, इसका वैल्यू यहां पर आ जाएगा, यहाँ पर एक रुपए का पेमेंट हो रहा है, यहां से यहां तक टू ए बार वन, वैल्यू कहां पर आ रहा है, टाइम वन पे। फिर यहां से यहां तक लेके जाएंगे वी से, फिर यहां से यहां तक थ्री ए बार वन, वैल्यू टाइम टू पे आ रहा है। फिर यहां से यहां तक लेके जाएंगे, फिर यहां से यहां तक क्या हो रहा है, फोर ए बार वन, वैल्यू कहां पर आ रहा है, थ्री पे। फिर यहां से यहां कैसे लेके जाएंगे, लास्ट में क्या हो रहा है, एन ए बार वन, और वह वैल्यू कहां पर आ रहा है, एन माइनस वन पे। तो फिर क्या करेंगे, वी टू द पावर, कॉपी कर लीजिए इसको। क्लियर है ऐश्वर्या पारिक? यस सर। अब उसको सॉल्व करने के लिए ए बार वन कॉमन, तो क्या आ जाएगा, वन प्लस टू वी प्लस थ्री वी स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस एन वी टू द पावर। ये जस्ट अभी हम लोग किए हैं, ये जस्ट अभी हम लोग किए, दिस इज व्हाट, ए बार वन इंटू आई ए डू एन, जस्ट अभी हम लोग किए, चेक करना, पहला पेमेंट वन का, फिर टू का, फिर थ्री का, और वन प्लस टू भी एडवांस वाला केस है ना, इसको ओपन करो, सिंप्लीफाई करो, देखो तुम लोग का आंसर आ जाएगा। ओपन करके सिंप्लीफाई करिए, ग्राफ कॉपी कीजिए, मैं करवा रहा हूँ, साइड वाला भी कॉपी कीजिए, मैं करवा रहा हूँ। हाँ रुचिका, एक बार ग्राफ वापस समझा दो ना। आपको क्या समझ में आया पहले भी बताइए। नहीं आया समझ अच्छे से। कुछ तो आया होगा, कुछ तो कुछ गलत समझे हैं, कैसा कुछ भी आप बोलिए पहले। ये क्या है, कंटिन्यूअस केस है, तो इसमें इंक्रीज इज डिस्क्रीट बट द पेमेंट इज कंटिन्यूअस,
पहला साल 1 रुपए का पेमेंट होगा बट वो कंटिन्यूअस होगा, दूसरे साल 2 रुपए का पेमेंट होगा बट वो कंटिन्यूअस होगा, तीसरे साल 3 रुपए का पेमेंट होगा बट वो कंटिन्यूअस होगा, 4 रुपए का पेमेंट होगा बट वो कंटिन्यूअस होगा, 5 रुपए का पेमेंट होगा बट वो कंटिन्यूअस होगा। सो इसलिए मैंने सब में A bar 1 लगाया है और फिर उसका प्रेजेंट वैल्यू निकाला है, दैट्स इट। अब इसको सॉल्व करना है, ठीक है ना। सो A bar 1 मतलब क्या होता है, 1 माइनस V बाय डेल्टा इंटू A du n माइनस NvN बाय डी, ठीक है ना। तो ये और ये कट जाएगा, है कि नहीं, काटो इसको तो अल्टीमेटली बचेगा क्या, A du n माइनस NV to the power n बाय डेल्टा। इसको हम लोग बोलते हैं IA bar n, इंक्रीज इज डिस्क्रीट बट द पेमेंट इज कंटिन्यूअस। कॉपी कर लो इसको यहां तक। चलो नेक्स्ट, पुट द हेडिंग IA होल बार n, माने यहां पर दोनों के ऊपर में बार है, IA होल बार n, ठीक है। तो IA होल बार n में क्या होता है, इंक्रीज एंड पेमेंट बोथ आर कंटिन्यूअस, ठीक है। तो इसका ग्राफ ऐसा बनता है, ठीक है। तो इसमें अगर हम लोग देखेंगे, यहां पर टाइम टी पे टी का पेमेंट हो रहा है, तो हम लोग उसको कैसे लिखेंगे, इंटीग्रेशन 0 to n, n ईयर्स का प्रेजेंट वैल्यू निकालना है। अगर टाइम टी पे टी का पेमेंट हो रहा है, उसका डिस्काउंटिंग फैक्टर विल बी e to the power minus delta t dt, समझा। पेमेंट स्ट्रीम है तो रो टी मेरा यहां पर क्या हो जाएगा, टी, क्लियर है एकदम। डेल्टा कॉन्स्टेंट है तो टी का जो पेमेंट हो रहा है कंटिन्यूअस हो रहा, बल्कि ऐसा एक नहीं बहुत सारा पेमेंट होगा, बट द रेट ऑफ पेमेंट इज टी, रो टी इज टी, उसका डिस्काउंटिंग फैक्टर, ठीक है ना। ऐसा एक पेमेंट होगा कि बहुत सारा कंटिन्यूअस रेंज में, इसलिए इंटीग्रेशन कहां से कहां तक, 0 to n। अब इसको सॉल्व करना है हम लोग को, बाय पार्ट से सॉल्व करेंगे आई लेट। तो आई लेट से कैसे सॉल्व करेंगे बताइए, E, ये हो गया मेरा V और ये हो गया मेरा U, U ddx of V माइनस V ddx of U, समझ आया ना। चालू करो, सॉरी मैं वो बोल दिया, सॉरी। कैसे करेंगे देखो, U इंटीग्रेशन e to the power minus delta t dt, लिमिट्स मत बताना, माइनस इंटीग्रेशन ddt of t इंटीग्रेशन e to the power minus delta t dt, ठीक है ना, होल इंटू डीटी, और लिमिट्स में मेरा क्या आ जाएगा, 0 to n। अब यहां पर u नहीं आएगा, मैं भूल से u लिख दिया, t आएगा,
यू इंटीग्रेशन वी डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन डी डी एक्स ऑफ यू इंटीग्रेशन वी डी एक्स होल डी एक्स। हार देंगे, आग लगा देंगे एकदम। कल कोई क्लास नहीं है, परसों भी कोई क्लास नहीं है। हाँ बता रहे, एक मिनट। आज 9 है ना, तेरह तारीख को क्लास है। टाइम एकदम सेम है। वो वीडियो अपलोड हो गया स्टैट्स का, एक बार ग्रुप में डाल देंगे, ठीक है? वो स्टैट्स का वीडियो देखेगा। और आज हम लोग पूरा बेसिक्स कंप्लीट कर रहे हैं, तो पूरा बेसिक्स एकदम पूरा बढ़िया से देख के घर से आएगा, वापस वापस रिकॉर्डिंग देखेगा, सम्स बनाएगा, कंपाइलर बनाएगा, असाइनमेंट बुक बनाएगा, ठीक है ना? ये हुआ, इसको सॉल्व करिए तो क्या आएगा बताइए। टी ई टू द पावर माइनस डेल्टा टी बाय माइनस डेल्टा, बोलो, माइनस इंटीग्रेशन ई टू द पावर माइनस डेल्टा टी बाय माइनस डेल्टा डी टी जीरो टू एन। वापस से क्या आएगा बताइए। टी ई टू द पावर माइनस डेल्टा बाय माइनस डेल्टा जीरो टू एन माइनस प्लस वन बाय डेल्टा ई टू द पावर माइनस डेल्टा बाय माइनस डेल्टा जीरो टू एन। अब आप क्या करिए, पहले एन डालिए, पहले एन डालिए, तो एन डालने से आ जाएगा एन ई टू द पावर माइनस डेल्टा एन बाय माइनस डेल्टा, जीरो डालने से जीरो, प्लस यहां पर माइनस हो जाएगा, एक्चुअली ये वाला माइनस को बाहर ले जाओ, वन बाय डेल्टा स्क्वायर है कि नहीं, ई टू द पावर माइनस डेल्टा एन माइनस वन, एनीथिंग टू द पावर जीरो इज वन। अब इसको सिंप्लीफाई करिए, अब इसको सिंप्लीफाई करिए तो क्या आ रहा बताइए। एन ई टू द पावर माइनस डेल्टा एन बाय माइनस डेल्टा, माइनस वन बाय डेल्टा बाहर ले लो, ठीक है? तो अंदर में क्या बच रहा है, या फिर प्लस वन बाय डेल्टा बाहर ले लो, प्लस वन बाय डेल्टा अगर बाहर ले लेंगे तो वन माइनस ई टू द पावर माइनस डेल्टा एन बाय डेल्टा। ये हम लोग को पता है ये क्या है, ये पूरा चीज क्या है बताइए, ए बार एन। क्लियर है, यस और नो? तो क्या आ जाएगा बताइए, ए बार एन माइनस एन ई टू द पावर माइनस डेल्टा एन होल डिवाइड बाय डेल्टा। तो क्या आ जाएगा बताइए, ए बार एन माइनस एन वी टू द पावर एन बाय, और इसको हम लोग बोलेंगे आई ए होल बार एन। एक मिनट, बंद, हाँ चालू करो। हो गया तेरा काम, कर ले कर ले कर ले।
निकालो आई ए बार 100 एट द रेट 9%, तो ये आ जाएगा ए डी यू 100 माइनस 100 वी टू द पावर 100 बाय एल एन 1.09। सॉल्व करिए इसको। और सिमिलरली अगर आई ए होल बार 100 निकालने बोलते तो कैसे करेंगे, ए बार 100 माइनस 100 वी टू द पावर 100 बाय एल एन 1.09। सॉल्व करिए इसको दोनों को, बताइए आंसर कितना कितना आ रहा है। बोलो कितना, ये आई ए बार 100 कितना आ रहा है 140 और नीचे वाला 134। देखो एन एनविटी इज पेबल एनुअली इन एडवांस फॉर अ टर्म ऑफ 20 इयर्स, द पेमेंट इज 500 इन ईयर वन, 550 इन ईयर टू एंड सो ऑन इंक्रीजिंग बाय 50 ईच ईयर। तो ये जीरो हो गया, ये वन हो गया, ये टू हो गया, डॉट डॉट डॉट, ये 20 हो गया और ये 19 हो गया, ठीक है। पहला पेमेंट कितना बोला है 500, तो उसको कैसे लिखेंगे 450 प्लस 50 इंटू 1, 450 प्लस 50 इंटू 2 और यहां पर आ जाएगा 450 प्लस 50 इंटू बोलो 20, क्योंकि 0 पे 1 है तो 19 पे 20 होगा ना। और हम लोग को यहां पर बोला है कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ दिस एनविटी अज्यूमिंग दैट द इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 5% फॉर द फर्स्ट 12 इयर्स। मैंने पहला 12 साल कितना है 5% है एंड 7% देयर आफ्टर। तो देखो मेरा बात ध्यान से सुनना, पहला 12 साल में कितना पेमेंट हो रहा है, पहला 12 साल में कितना पेमेंट हो रहा है, 13 पेमेंट हो जा रहा है। तो पहले पहला 12 साल का कर लेते हैं फिर बाकी का देख लेंगे, ठीक है, कॉन्फिडेंस आएगा। तो पहले 12 साल का मतलब 13 पेमेंट हो रहा है, सो 450 ADU 13 प्लस 50 IADU
13 एट द रेट होल इनटू एट द रेट बोलो 0.05, ये वाला क्लियर है यस और नो? ये वाला क्लियर है यस और नो बोलो? ठीक है, उसके बाद में प्लस, तो टाइम 12 हो गया ना, तो देखो 13 से लेके 20, तो 20 पे तो कोई पेमेंट हो नहीं रहा है, तो 13 14 15 16 17 18 19 कितना पेमेंट हो रहा है? 7, तो 7 पेमेंट हो रहा है। अभी हम लोग को ये निकालना पड़ेगा, अब ये करने से नहीं चलेगा, टाइम 12 पे कितना पेमेंट हो रहा है बताओ? 450 प्लस 50 इंटू 13 कितना होता है बताओ? तो 650 और 450 1100, तो 13 पे कितना पेमेंट होगा बताओ? 1100 प्लस 50 इंटू 1 14 पे कितना पेमेंट होगा बताओ? 1100 प्लस 50 इंटू, ऐसे करके हम लोगों को कितना पेमेंट करना है? 7 पेमेंट का करना है हाँ, और 12 तक का तो कैलकुलेशन हो चुका है, तो 13 पे हो रहे, अपने कहां पर खड़े हो जाएंगे? अपने खड़े हो जाएंगे 12 पे खड़े होके देख रहे हैं तो 13 पे क्या दिख रहा है अरियर? 12 पे खड़े होके देख रहे हैं तो 13 पे क्या दिख रहा है अरियर? ठीक है, तो क्या लिखेंगे बताइए? 1100A7 प्लस 50IA7 वैल्यू, इसको पहले निकालेंगे एट द रेट 7% वैल्यू कहां पर आ जाएगा? 12 पे, बी टू दी पर 12 एट द रेट 5% वैल्यू कहां पर आ जाएगा? जीरो, क्योंकि ये कहां पर है? जीरो पे, इसको भी पहले जीरो, इसको की समझो, दोनों को प्लस कब कर सकते हैं? जब दोनों सेम टाइम पीरियड का होगा, ये जीरो पे है तो इसको भी जीरो पे लाना पड़ेगा। ठीक है, सॉल्व करिए इसको, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। सर एडवांस में नहीं हो सकता है सेकंड पार्ट? एडवांस में भी हो सकता है, आप कर सकते हो 1100 AD7 प्लस 50 IA7, फिर आपको तो वी की पावर 13 करना पड़ेगा, 13 करना पड़ेगा। यस हाँ, बी टू दी पावर हाँ, क्योंकि तुम 12 पे खड़ा हो रहे, तो 12 पे खड़ा होकर देखो अरियर दिख रहा है, 7 पेमेंट, तो 12 से 0 पे लाएगा ना, तो वी टू दी पावर 12, 12 से 0 पे लाएगा तो क्या होगा? वी टू दी पावर 12। ये संजू, या सो इन केस ऑफ एडवांस व्हेन वी डू 1100 AD7 प्लस 50 IA7 At the rate of 7%, then we will do V12 at 5% and then V1 at 7%, right? Yes. Okay. V to the power 13 नहीं होगा ना? V12 at the rate 5% and V at the rate 7% करना पड़ेगा, तब आएगा answer. VTC पर 13 नहीं होगा ना, 12 और 1 करना पड़ेगा ना, क्योंकि रेट चेंज हो जा रहा है ना 12 पे। क्वेश्चन नंबर 55 क्लास वर्क में करना है। Thank you.
डिवाइड बाय 1 बाय ये वाला
सर का खास बात क्या है? तुम लोग को सम दे दिए, तुम लोग को सम दे दिए ना। तुम बाबू माथा क्यों पकड़ के रखा है? क्या हुआ तुमको? तुम लोग का सर का यूएसपी क्या है? सर पढ़ाते अच्छा? नहीं सर, टाइम अच्छा मैनेज करते। सर तुमको सम दे दिए, पता था तुमको 10 मिनट लगेगा। एडमिशन का फोन आ रहा था, गए बाहर, बात किए, पैसा आ गया, अंदर आ गए। जब भी बाहर जाते हैं सर सर अड्डा मारने जा रहे? नहीं, एक बार बाहर जाते तो एक एडमिशन हो जाता है। तो ये यूएसपी है, ऐसे टाइम मैनेज करना पड़ता है। समझ में आया? ठीक है, चलो पढ़ने तो दो पहले मेरे को।
ईयर वन टाइम जीरो नहीं होता है, टाइम जीरो होता है, ईयर वन जीरो से वन होता है और टाइम वन वन का एंड होता है और टू का बिगनिंग भी होता है। बोलो, ले रहे डाउट, एक सेकेंड देना। किसका? 55 59। हाँ बोलो। हाँ हाँ अबे टाइम 12 पे हो रहा है ना, 13वां साल का बिगिनिंग से चेंज होगा। तुम कंफ्यूज कर रहे ब्रो, टाइम 12 है ना, टाइम 12 13th ईयर का बिगिनिंग है, तो वो एक दिन का वैसा कैलकुलेशन नहीं होता है। ठीक है, आगे बढ़े, करें क्या क्वेश्चन नंबर 55? यस सर नो? एनर्जी लाओ यार थोड़ा, तुम लोग पब अब जाया करो यार तुम लोग। ठीक है, हाँ जहां डीजे बोल देगा नहीं एक सम नो आई, तुम लोग वही एकदम पूरा नाचना चालू कर देते हो। ठीक है, हाँ ना भाई ना, टीवी पे देखा था। यहां पर डालो टी के जगह में वन डालो। पेमेंट्स ऑफ, तो पहला पेमेंट होगा टाइम वन पे कितने का, 20,000 का। फिर टाइम टू पे पेमेंट कितने का होगा, 1.0381। ऐसे करके 10 पेमेंट होगा, तो चलो निकालो 20,000 कॉमन, v प्लस 1.0381 v स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस, बोलो 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 जल्दी बोलो, 1.0381 टू द पावर ना, एक मिनट को, 1.0381 टू द पावर 9। हाँ फिर 20,000 v कॉमन, 1 प्लस 1.0381 v प्लस डॉट 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 प्लस 1.0381 v होल टू द पावर 9। तो चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं आप, 20,000 बाय 1.09 a 1 माइनस 1.0381 बाय 1.09 टू द पावर 10 बाय 1 माइनस 1.0381 बाय 1.09। बोलो ना, हाँ पहले इसको कॉपी कर ले फिर दिखा रहे ग्राफ। पॉइंट ठीक है, ग्राफ देख लो, लास्ट पेमेंट कब होगा, कितने का, 20,000। ठीक है, दैट्स इट फॉर द डे। ठीक है, ऐ सुनो, कॉपी इतना जल्दी जल्दी मत बंद करो, एक मिनट रुको, शनिवार को 13 तारीख को थोड़ा जल्दी क्लास होगा। ठीक है, 13 तारीख को कितना बजे तक है, 2:30 ना, 3 बजे से क्लास है। अरे बाकी लोग का भी एग्जाम है ब्रो, व्हाई आर यू सो सेल्फिश। 3 बजे से क्लास है, लेकिन क्लास का शुरुआत का टाइम जल्दी हो रहा है, अंत का नहीं, अंत का जो टाइम है वही रहेगा। ठीक है, 3 बजे क्लास है, मैं बार बार चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूँ,
ओ सॉरी सर, हम तो भूल गए थे कि 3 बजे से क्लास है, आओगे 4 बजे, वैसे नहीं चलेगा, 3 बजे क्लास है, ठीक है। कंटिन्यूअस पेमेंट कहाँ बोला है, बोल दिया ना टाइम 1 2 3 4, देखो